हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के साथ। तो यहाँ पे पैच 2.4D आ चुका है, बैलेंस पैच, लास्ट पैच जो है पैच 2.4 का वाइल्ड ट्रिप में। तो उसके ऊपर हम सारे पैच में क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छा होने वाला है, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो ब्लिच क्रैंक है, ब्लिच क्रैंक को क्या क्या है ना, इसका जो माना कॉस्ट है ओवरड्राइव का जो एबिलिटी है, सेकेंड एबिलिटी या फिर थर्ड एबिलिटी पता नहीं, सेकेंड है शायद, तो उसका जो माना कॉस्ट है वो उसको घटा दिया गया है। और ये थोड़ा सपोर्ट में थोड़ा वीक परफॉर्म कर रहा है, इसी वजह से इसको ऐसा किया गया है। और मूवमेंट स्पीड भी थोड़ा बढ़ाया गया है, तो इसके लिए ये शायद एक अच्छा सा बफ है। तो इसके बाद आ जाते हैं डॉक्टर मुंडो के ऊपर। तो डॉक्टर मुंडो को एक जंगल क्लियर में नर्फ मिला है, क्योंकि इसका जो बैरन लेन है उसको वैसा ही रहने दिया है, जंगल क्लियर जो स्पीड है उसको थोड़ा घटाया गया है, और इसका जो बेस स्टैट है उसको थोड़ा बढ़ाया गया है, और हेल्थ रीजन है उसको थोड़ा घटाया गया है शायद, हाँ। और इसका बस जंगल स्पीड है, जंगल क्लियर में, जंगल में बहुत ज़्यादा ओवर परफॉर्मिंग कर रहा था, तो इसी वजह इसको थोड़ा घटाया गया है, और कुछ नहीं, बैरन लेन में वैसा ही वैसा है। और लेट गेम में तो सही होगा उसका जो हेल्थ रीजन वाला, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है सेना के ऊपर। तो सेना को नर्फ मिला है फिर से, क्योंकि इसका जो सोल है वो जो कलेक्ट कर रहा था उसमें इसका नर्फ मिला है। मतलब इतना ज़्यादा कुछ ज़्यादा हाई नर्फ नहीं मिला, पर हाँ एडजस्ट किए गए हैं इसका जो बेसिक अटैक, सॉरी इसका जो मिनियन मारने पे जो स्पॉन रेट होता था, जो इसका मिस्ट जो स्पॉन होता था ब्लैक ब्लैक एक सोल टाइप का, तो उसका जो स्पॉन रेट है वो थोड़ा कमाया गया है, 7% से 3% किया गया। इसमें इसको थोड़ा सा कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर ठीक है चलो, नर्फ इनके हिसाब से नर्फ ही है, तो चलो हम भी नर्फ बोलेंगे। फिर उसके बाद जाते हैं थ्रेस भाई। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट चार्म के ऊपर इस बार फोकस किया है। यहाँ पे लिखा है थ्रेस को कंटिन्यूसली बफ मिला रहा है, पर वो क्या है ना, एक बहुत हाई लेवल का स्किल कैप चैम्पियन है, तो इसी वजह से इसको हम धीरे धीरे करके थोड़ा अच्छे से बफ दे रहे हैं। इसको भी एक बफ मिला है फिर से एक और बार। इसका जो बफ मिला है इसमें है, इसका जो बेसिक अटैक करता है उसमें जो सोल वो जो निकलता है ना किसी को मारने के बाद सोल कलेक्ट करता है, वो एक सोल मिलता था पहले, अभी दो सोल मिलेगा। आई डोंट नो, अटैक डैमेज इसका थोड़ा हाई हो जाएगा लेट गेम तक अगर ये सोल अच्छे से कलेक्ट करता रहेगा, तो ये सही है। उसके बाद आते हैं जाया के ऊपर। तो जाया को जो है फिर से एक बफ मिला है। ओ भाई क्या शोर कर रहे हैं भाई, जाया को एक और बफ मिला है, जिससे कि इसका जो अर्ली गेम में थोड़ा बफ मिला है शायद, हाँ इसका जो पर लेवल है अटैक डैमेज इसको थोड़ा बढ़ाया गया है, 2.65 से 3.6 कर दिया गया है, और अटैक डैमेज एट लेवल 15 पे 102 होता था, 115 हो गया। तो लेट गेम थोड़ा सही, इसको लेट गेम थोड़ा ओपी बना दिया है, अर्ली गेम तो वैसे ही नहीं है। फिर आ जाते हैं भाई जेड को, तो नर्फ पक्का, जेड इज़ ओवर परफॉर्मिंग इवन when he does not land his shuriken, we are cutting down on his consistent damage in order to make Zed's success more about landing and right spell at the right time. तो इसका जो क्या है, जो थर्ड एबिलिटी होता था ना शैडो स्प्लैश, ऐसे घुमा के जो मारता था, उसका डैमेज घटा दिया गया है, और उसका जो बोनस अटैक डैमेज रेशियो था उसको भी घटा दिया। तो अभी जेड इतना ज़्यादा नर्फ होने के बाद भी उसका जो डेथ मार्क है वो तो सेम ही रहेगा, बस आपको थोड़ा ज़्यादा स्किल चाहिए होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुरेकिन हिट करने के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज लेने के बाद आपको अल्टीमेट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो बस यही था इस पैच में, मिलते हैं एक और नए पैच एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा गाइस, बाय बाय।